अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल बासित। आप लोग कैसे हैं? माशाल्लाह शिहाब चोचूर भाई की हज सफ़र 103 दिन हो चुका है। माशाल्लाह शिहाब भाई ने 2022 जून 2 तारीख में चोचूर से उनका सफ़र स्टार्ट किया था। माशाल्लाह आज सितंबर 12 तारीख, माशाल्लाह 3 महीने के ऊपर उनका सफ़र हो चुका है। अभी शिहाब भाई पंजाब स्टेट में फरीदकोट जिला पे कोटपुरा में स्टे कर रहे हैं। माशाल्लाह हम भी वहाँ आसपास एक मस्जिद में स्टे कर रहा है। माशाल्लाह शिहाब चोचूर भाई की हज सफ़र 7वां स्टेट में पंजाब में, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अब माशाल्लाह पंजाब। पंजाब आप लोगों को मालूम है सरदार जी पाजी लोग के प्यार बहुत देती है हमको। माशाल्लाह आज भी हमने पानी पीने के लिए गया था एक गुरुद्वारे में, लेकिन माशाल्लाह मेरे को मेरा एक दोस्त नोमैडिक ट्रैवलर उनको खाना खिलाया और बहुत प्यारा लगे पाजी लोग। काफ़ी लोग के शकी है ये शिहाब भाई कितना किलोमीटर चल चुका है। मैं बताऊं 3000 किलोमीटर के आसपास शिहाब भाई चल चुका है। हमारा साथ जुड़े हैं नोमैडिक ट्रैवलर और डिस्कवरी भाई, अमीन, दोनों मलयाली यूट्यूबर्स हैं। मैं भी मलयाली यूट्यूबर्स, मैं फिर हिंदी में व्लॉग करता हूँ। नोमैडिक भी थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात कर रहे हैं, अमीन भी मलयालम में करता हूँ। और माशाल्लाह शिहाब भाई के बारे में काफ़ी लोग शक लग रहे हैं कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, फौजी है, नर्स है, उनको बड़ा माल है। दोस्तों मैं बताऊं, नॉर्मल इंसान है वो। उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, उन्होंने सऊदी में काम किया था 6 साल सऊदी में, और दुबई में भी थोड़ा काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक नॉर्मल फैमिली है, उनको 2 भाई लोग भी है और माशाल्लाह माँ बाप है, शादी भी हो गया। बाकी तो करोड़ रुपए कितना खर्च हो गया इसके बारे में हमें पता नहीं है ना। इसका पर्सनल मैटर है। हाँ, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। यार यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और व्यू बढ़ने के लिए झूठ बोल रहे लोग, इसमें हमें कोई मतलब ही नहीं। शिहाब भाई माशाल्लाह अभी तक उनको कोई तकलीफ नहीं आया। और हिंदी वाले यूट्यूब में मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि झूठ फैला रहा हूँ। अपनी घर पे बैठे हमारा वीडियो, हमारा साथी लोगों का वीडियो चुरा के शिहाब भाई के सामने शेयर आ गया और साफ आ गया, ऐसी झूठ फैला रहा है, इसमें क्या फ़ायदा भाई? झूठ फैलाना के 1 रुपये कमाए तो यार घर चलना तो मुश्किल है, ये तो कहना अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग झूठ मत फैलाना, हम तो साथ में चल के वीडियो बनाते रहेंगे। कल भी माशाल्लाह कल रात में 1 बजे तक उनके साथ में हम चलते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 12 है आज। माशाल्लाह यहाँ अभी शिहाब भाई कोटपुरा में स्टे कर रहे हैं, फरीदकोट जिला। इंशाल्लाह यहाँ से वाघा बॉर्डर तक 160 किलोमीटर दूरी है काफ़ी, और लगभग 1 हफ्ता नहीं तो 10 दिन मान लो इसके अंदर इंशाल्लाह शिहाब भाई वाघा बॉर्डर क्रॉस करेगा। इसको तो 1 महीने पहले काफ़ी मीडिया लोग शिहाब भाई बॉर्डर क्रॉस किया, शिहाब भाई पाकिस्तान दाखिल हुआ, ऐसी भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, वो झूठी था। दोस्तों जितना यूट्यूबर वीडियो बन रहे हैं उनको साथ में चल के काफ़ी धूप में, गर्मी में, भूखे में उन्होंने वीडियो बन रहे, इसके पीछे बहुत मेहनत है। आप लोग ज़रूर उन लोगों को सपोर्ट कर लेना। माशाल्लाह मतलब काफ़ी लोग उन लोगों का वीडियो चुरा के अपलोड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हम तो फील्ड में गा के यार भूखे भूखे सूखे सूखे हो गया। आप लोग हमारे लिए दुआ करना, सपोर्ट करना, एक्स्पेशली शिहाब भाई के लिए। माशाल्लाह शिहाब भाई कल मुक्सर जिला में पड़ती है शाही नगर, वहाँ स्टे किया था एक पैलेस में। माशाल्लाह वहाँ से उन्होंने शाम में 8 बजे के आसपास वहाँ से उन्होंने रवाना हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 किलोमीटर उन्होंने चलने के बाद कोटपुरा एक ज़िला है, फरीदकोट जिला में पड़ती है, वहाँ अभी स्टे कर रहा है। माशाल्लाह कल शाम का थोड़ा क्लिप इसमें मैं जोड़ दूँगा, और आज सुबह का थोड़ा हमने गुरुद्वारा गया वो इसके वीडियो में मैं इसमें डाल दूँगा, और इंशाल्लाह कल रात का वीडियो मैं शाम में अपलोड करूँगा। आज केरला तो 2 नौजवान वीर आए जिहड़े गुरुद्वारा साहब दर्शन करन लई आए सी, ये साडे कोल रुके, इन्होंने चाह पानी छकिया, प्रशादा छकिया। ये मैं दसना चाहुंदा जो ये पावन स्थान है गुरुद्वारा किला साहब पातशाही दसवीं छावनी निहंग सिंह बुढ़ा दल, इत्थे दसवें पातशाह महाराज जी आए सी, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जो सिखां दे दसवें गुरु ने, महाराज जी आए उन्होंने इत्थे चरण पाए, ये उन्होंने पावन चरण छो धरती प्राप्त है। हुण जो सेवा है साढ़े श्रोमणी सेवा रतन पंथ रतन सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी अकाली 96 करोड़ मुखी बुढ़ा दल महापुरखों वाल कोल सेवा है, तो दास उन्होंने सेवादार सारे असी संगत रूप से सेवा करते हैं। तो आज जो बाग तैयार हो रहा है, फुल बूटे लगे ने, तो सतगुरु महाराज की कृपा है, तो चार दवारी की सेवा हुई है। जी 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 बोलिए। सेवा चल रही है जी, तो दरबार साहब सुबह भी पाठ होंदा है, कीर्तन
तो शाम को भी पाठ होंगे तो संगत दे सरबत दे भले लिए अरदास होंगी है जी। महाराज की कृपा है तो अच्छ सू चंगा लग्या जो नौजवान भीर आए की नाम थोड़ा असलम असलम तेरा नाम बासित बासित जी हाँ दोनों अजे कोटकपूरा शहर पहुँचे तो हूँ इन्होंने जल पानी प्रसादा पानी छकिया तो गुरुद्वारा साहब आया तो जियो आया वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की भाजी। हमारे साथ एक बंदे केरला से मक्का तक जा रहे पैदल 103 दिन हो चुका है। वो कोटकपूरा में अभी स्टे कर रहा है। वो इसके जरिए में हम स्टे के लिए ये अंदर एक मस्जिद में आए थे, फिर वहाँ पानी का थोड़ा व्यवस्था नहीं था इसलिए हमने यहाँ आया। खाली पानी पीने के लिए आया, आप लोग पेड़ भर के खाना खिलाया, बहुत धन्यवाद। नहीं वो तो पता क्या हमारे गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है, मालूम है, कहीं भी चल जाओ हाँ जी गुरुद्वारा साहब में आपको लंगर भी मिलेगा जी, चाय भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी, हर अवस्था मिलेगी। और पाजी ये पैदल चलने वाले बंदे को इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? तो जो उनके मन की श्रद्धा है जी है ना, जो पैदल चल रहे हैं जी, भगवान उनको उनकी मन की इच्छा पूरी करें जी जी। और हमारे साथ आपको जब भी जरूरत आए कोई खाना चाय जो भी है तो आ सकते हैं जी। बिल्कुल पाजी, गुरुद्वारा कितना साल पुरानी है? ये गुरुद्वारा साहब तो बहुत पुराना, मैंने बोल दिया ना आपको, यहाँ 10वें पातशाह महाराज जी आए हुए हैं जी जी जी। ये कोटकपूरा शहर है, धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इतने आए थे, महाराज के चरण छोह धरती प्राप्त है, महाराज की याद में गुरुद्वारा किला साहब, किला साहब हाँ गुरुद्वारा किला साहब पातशाही 10वीं छावनी निहंग सिंह बुढ़ा दल। ठीक है, बहुत धन्यवाद पाजी। ठीक है, कल रात में 12 बजे के आसपास शिहाब भाई कोटपुरा पहुंच गया था। वहां से लगभग कम से कम 5 किलोमीटर आगे एक मस्जिद मिल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां हम स्टे किया रात में। और सुबह में पानी के लिए थोड़ा दिक्कत आया, हमने आसपास एक गुरुद्वारे में गया, हम मैं और नमोडिक ट्रैवल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा पानी पूछा था उनसे, पाजी लोग हमको नाश्ता खिलाया और पेड़ भर के खाना दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लोग है, उन लोग से बात करके हमको भी बड़ी खुशी हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह लिश्कर होटल का सामने हमारा यूपी भाई लोग, यूपी भाई लोग हमारा जान है, क्योंकि मैं यूपी में काफ़ी साल काम किया था इसलिए यूपी लोगों में पसंद करता हूँ। भाईजान कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये लोग मतलब यहाँ शाहीनगर में काम कर रहे हो, नहीं तो दूसरे शहर में? नहीं, थोड़ा आगे 20 किलोमीटर है कोटकपूरा, वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी पढ़ाई करते हो? प्लस टू करते हैं, मतलब बीए की करेंगे आगे। क्या बात है यार, एजुकेशन में ध्यान दिया माशाल्लाह, क्या बात, अच्छी बात है। और माशाल्लाह हमारे साथ राजस्थान से, राजस्थान से, बीकानेर से हम आए हूं, जोधपुर। क्या नाम आपका? मेरा नाम यासिन मलिक जी। जी कब आया आप भाई? बस अभी घंटा हुआ है। अच्छा अच्छा, आप तो सिया भाई को देखने को नहीं मिला होगा? नहीं मिल गया, देखा से कोई देखा, थोड़ी सी ज़्यादा होगी फिर हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा माशाल्लाह, अल्लाह ताला तंदुरुस्त रखे आमीन, और माशाल्लाह अच्छा को तंदुरुस्ती से पहुंचाए। हम भी उधर 700 किलोमीटर से आए हैं अल्लाह ताला। जी 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 जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम पठान खान मलक। अच्छा, हजरत हो आप? हिंडाल गोल तहसील फलोदी डिस्ट्रिक्ट जोधपुर राजस्थान। हजरत हो आप? जी माशाल्लाह। मुफ्ती हो? नहीं, ये अपने सरपंच साहब है, मेरा लड़का मुफ्ती है। लड़का मुफ्ती है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम क्या? आसिफ। आसिफ, उम्र आ गया? पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास पे? 7th में माशाल्लाह। अच्छा, तरीके से पढ़ाई करना, पढ़ाई में ध्यान करना। आपका? मैं बिलाल खान जी, हिंडाल गोल गाँव जी, सरपंच भी हूँ वहाँ का जी। 700 किलोमीटर से यहाँ शहाद भाई को जारत करने के लिए और मिलने के लिए आए हैं। ये दोनों लड़के हैं, ये हमारे दो बच्चे हैं, और इलियास भाई है और मुजीबर भाई है, हम 7-8 बंदे आए हैं 700 किलोमीटर। माशाल्लाह क्या बात है। एक बार बताऊंगा, आपका नाम? उमर फारूक। फारूक भाई, आपका? शकूर मोडा। शकूर मोडा, शकूर मोडा। आपका भाई? मेरा नाम इलियास। इलियास, आपका? जी मेरा इलियास। आप भी इलियास है? स्क्वायर वाली इलियास। भाई जान? मेरा नाम मुजीब। मुजीब मुजीब मुजीब। और माशाल्लाह काफी भाई लोग पीछे भी हैं। और भाईजान आपका नाम? शमी मलिक। कहाँ से आप? मुक्सर से ही है। मुक्सर से, तो मुक्सर से आया हूँ शिया भाई, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। तो काफी भाईजान हैं, क्या बोलना, कुछ बोलना है जी? क्या नाम आपका? साबिर खान। साबिर कहाँ से? मुक्सर से ही। मुक्सर से, कैसे लगा भाई आपको? बहुत अच्छा। माशाल्लाह कल आदमी मुक्सर में ज्यादा क्राउड था है ना, आप था साथ में? बढ़िया है माशाल्लाह, काफ़ी भाई लोग हैं। चलो बढ़िया है, जज़ाकअल्लाह शुक्र, सभी को शुक्रिया।
और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। आप लोग अपने से मिलते रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।